जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि बहुत अहम हैं। देखें, एक वर्ड है सुकू। सुकू का मतलब होता है कनेक्ट होना, जिससे हम कहते हैं सुकेरू, कनेक्ट करना। तो सुकू की फॉर्म है सुइते, और हम पढ़ रहे हैं नीत सुइते, से कनेक्ट होते हुए, यानी के बारे में से ताल्लुक रखते हुए, के ताल्लुक से। तो नीत सुइते का मतलब है के बारे में, के मुताल्लिक, ठीक है। अच्छा जी, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है नी खान शीते। मेरी राइटिंग पे मत जाइए, बल्कि मैं राइटिंग सही से लिख ही देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड जो है वो खांजी का है। खांके का खान है ये, नी सुइते या नी खान शीते। खांके नाई, आपने अक्सर सुना होगा जापानी कह रहे खांके नाई, खांके नाई, यानी कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है। खांके नाई, खांके का मतलब है रिलेशन, ताल्लुक। खांके नाई, कोई ताल्लुक नहीं। वतशी वा खांके नाई हो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं भाई, ठीक है भाई, मैंने अपनी जुबान में कहा। नी सुइते, नी खान शीते, नी सुइते का मतलब भी के बारे में, और नी खान शीते का मतलब भी के बारे में। तो ये बात हो रही थी, हम बात कर रहे हैं नीत सुइते। अच्छा, टॉपिक है असल में तीन चार, नीत सुइते, नी तोते, नी नी थाइश्ते, नी थाई शीते। ये ताई की खांजी है और ये खान की खांजी है। नी सुइते और नी खांजते का एक ही मतलब है, के मुतालिक। करे वा वतशी नी सुइते हनस्ते इता, करे वा वतशी नी सुइते, वतशी नी सुइते हनस्ते इता, करे वा वतशी नी सुइते हनस्ते इता या हनस्ते इमस्ता, वो मेरे बारे में बात कर रहा था, ठीक है। निहोंगो नी खान शीते ओशियते इमस, ओशियते इमस। जापानी जुबान के मुतालिक पढ़ा रहा हूँ। नी खान शीते, नीत सुइते, एक ही मतलब है तकरीबन, तकरीबन एक जैसा मतलब है। नीत सुइते का मतलब भी के बारे में, नी खान शीते का मतलब है के ताल्लुक से, जापानी जुबान के ताल्लुक से पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे बारे में बात कर रहा था। तो ये तो हो गया नीत सुइते और नी खान शीते। अब नीत सुइते और नी थोते और नी थाइश्ते में क्या फर्क है, चलिए नी थोते करते हैं। वतशी नी तोते खांजी वा मुजुकाशी दिसगा, मुजुकाशी दिसगा निहोंजिन नी तोते खानतान दिस। क्या मतलब हुआ? एज फॉर मी जैपनीज लैंग्वेज, ओ सॉरी, खांजी इज डिफिकल्ट, बट फॉर जैपनीज खांजी इज वेरी सिंपल। यानी वतशी थोते का मतलब है मेरे, मेरी जगह पे खड़े होकर आप देखें, यानी मेरे लिए खांजी बहुत मुश्किल है, लेकिन जापानियों के लिए बहुत आसान। वतशी नी तोते खांजी वा मुजुकाशी दिसगा निहोंजिन नी तोते खानतान दिस, यानी मेरे लिए खांजी बहुत मुश्किल है, लेकिन जापानियों के लिए आसान। अच्छा, निहोंजिन नी तोते
एगो वा एगो गा ताइहेन दिस निहोंजी ने तोते एगो गा ताइहेन दिस। ताइहेन का मतलब होता है बहुत शदीद, बहुत ज्यादा। अब खाली ताइहेन भी कह सकते हैं या ताइहेन मुजुकाशी दिस भी कह सकते हैं, यानी जापानियों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत शदीद है, यानी मुश्किल है। या अगर आप ताइहेन के बाद मुजुकाशी लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं ताइहेन मुजुकाशी दिस, ठीक है। ताइहेन मुजुकाशी दिस, ये ताई की खांची और ये हैन की खांची, ताइहेन दिस या ताइहेन मुजुकाशी दिस, यानी जापानियों के लिए अंग्रेजी जुबान बहुत मुश्किल है। अच्छा तो फिर अब थाई शीते क्या है, ठीक है। ओख्याक सामान्य थाई शीते, ओख्याक सामा, देखिए सामा क्या है, ये ख्याकू है। ख्याकू का मतलब मेहमान भी होता है और ख्याकू का मतलब कस्टमर भी होता है। तो जापान में या जापानियों के लिए निहोंजिन नि तोत्ते मेहमान वा कस्टमर दिस, या कस्टमर निहोंजिन नि तोत्ते कस्टमर वा मेहमान दिस, यानी जापानियों के लिए कस्टमर जो है वो मेहमान की हैसियत रखता है। ये मैं तोत्ते की मिसाल देने के लिए मैंने हिंदी उर्दू इस्तेमाल की। अब ओख्याकू, ख्याकू का मतलब है कस्टमर, तो कस्टमर को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि सान नहीं लगाते, बोले सामा लगा दो, ओख्याक सामा। ओख्याक सामा नी थाई शीते, ओख्याक सामा नी थाई शीते ते ने नी हनस्ते कुदासाई, ते ने नी हनस्ते कुदासाई, यानी कस्टमर से जब आप बात कर रहे हो ओख्याक्सान नि थाइश्ते ते ही नहीं नि हनस्ते कुदासाई, पोलाइटली बात कीजिए। ते ही नहीं जो है वो ना एडजेक्टिव है, वो ना एडजेक्टिव है जो आखिर में, जिसके आखिर में ई आता है। ऐसे मैंने बताया था 6-7 एडजेक्टिव हैं N5 में जिनके आखिर में ई आता है लेकिन वो ना एडजेक्टिव है। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ना समझ में आता मैं नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। ओख्याक्सान नि थाइश्ते ते ने नि हनस्ते कुदासाई, ठीक है। चलिए हाहा कर लेते हैं, हाहा नि थाइश्ते, हाहा नि थाइश्ते उसो ओ सुकु कोतो गा देखी मासेन, देखी नाई दिस या देखी मासेन। हाहा नि थाइश्ते, चलिए हाहा को हम खांजी में लिख लेते हैं, आसान सी खांजी है तो कोई मुश्किल नहीं है। हाहा नि थाइश्ते उसो सुकु कोतो गा देखी मासेन, यानी मैं माँ के सामने जब खड़ा होता हूँ, माँ का जब सामना करता हूँ उस वक्त झूठ नहीं बोल सकता। ये देखी नाई की खांजी है, देरु और कुरु से मिलके बनती है, देखी नाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग, अगर आपको नहीं आते तो बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। ये आप समझ लीजिए नित्सुइते का मतलब है या निखांशते का मतलब है के मुतालिक, नित्थोत्ते का मतलब है एज फॉर मी, एंड जिसकी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप, यानी जापानियों के लिए जापानी बहुत आसान है। निहोंजिन नि तोत्ते निहोंगो गा खानतान दिस। निथाइश्ते का मतलब है किसी का सामना करते वक्त, ओख्याक्सान निथाइश्ते ते नि नि हनस्ते कुदासाई, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उस वक्त पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो ये 3-4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने जरूरी समझा कि एक वीडियो बना दूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। मेहनत कीजिए और शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोदाई माशा।